हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में हम लोग गुजरात पॉलिटेक्निक की जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ हो चुकी है। इसे आप सिंपली कह सकते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट और मॉक राउंड और चॉइस फिलिंग, यानी फाइनल मॉक राउंड और चॉइस फिलिंग रिलीज़ हो गई है, स्टार्ट हो चुकी है। कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, कैसे चेक करना है, ये मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बिकॉज मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कितनी आसानी से आप गुजरात पॉलिटेक्निक 2020 का आंसर की मतलब रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं चलता है कि जो मॉक राउंड है या फिर जो आपके चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाती है और स्टार्ट होने के बाद ख़त्म भी हो जाती है और उन्हें मालूम नहीं चलता है कि किस तरीके से आपको करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ, सी टू डी और यानी जो है सी टू डी मतलब डिप्लोमा में जो डायरेक्ट एंट्री होती है उसकी, और पॉलिटेक्निक के रिजल्ट के बारे में और मेरिट लिस्ट और आप बोल सकते हैं इसे चॉइस फिलिंग के बारे में। तो सबसे पहले उससे बता दूं कि स्पेशल चैनल बनाए गए हैं गुजरात पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, तो जो भी अपडेट्स आती हैं सबसे पहले यहीं पर आती है। देखिए, बात आज की नहीं, बात है अगले कुछ सालों की। जब तक आप पढ़ाई करेंगे तो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, आपके वाइवाज, इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट्स, कल्चरल इवेंट्स, टेक्निकल इवेंट्स, कल्चरल फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट और भी बहुत सारी चीज़ें जो कॉलेज में आपके होती हैं, ये सारी चीज़ें इसी चैनल पर अपडेट्स होती हैं। तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कैसे चेक करना है ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही तरीके से सर्च करके सही जगह पे पहुंचना है, यही आपको करना है और यही आप एग्जैक्टली इसी तरीके से आप चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र में google.com ओपन करना है और वहां पे आपको लिखना है गुजरात पॉलिटेक्निक 2020 और उसके आगे आपको लिखना है IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर गुजरात पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आती है। तो इसे सर्च करेंगे, जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे नेट टैब में जाएंगे, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात पॉलिटेक्निक 2020 और यहाँ पे लिखा हुआ है IAS पेपर। एग्जैक्टली यही चीज़ चाहिए थी, ये चीज़ मिल चुका है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेट टैब में जाएंगे, डिपेंड करता है अगेन आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। तो मैं इस पेज को आ चुका है, ऊपर हो चुका है, जूम कर देता हूँ इस पेज को 150%, जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाए, आप और बेहतर तरीके से देख पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात पॉलिटेक्निक 2020 मेरिट लिस्ट एंड मॉक राउंड रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। सेकेंड ईयर डिप्लोमा मॉक राउंड मेरिट लिस्ट और रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, यानी सेकेंड ईयर डायरेक्ट एडमिशन जो होते हैं हम लोग के, जो ITI के बाद या फिर 12th के बाद होते हैं, उसके जो है मॉक राउंड रिजल्ट और मेरिट लिस्ट रिलीज हो गई। उससे पहले बता दूं कि जो सामने आपके फॉर्म है आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिए, अपना फुल नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से राज्य से हैं। उदाहरण के तौर पे मैं गुजरात का हूँ तो गुजरात पे क्लिक करूँगा, आप कहीं और के हो सकते हैं, गुजरात के कहाँ के हैं तो मैं गुजरात के राजकोट का हूँ। अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, गाँव के हैं, तो भी आपको अपने नज़दीकी शहर का नाम या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ सेलेक्ट करना है। कौन से कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ मैं इंजीनियरिंग में, पॉलिटेक्निक जो है वो इंजीनियरिंग का पार्ट है तो इंजीनियरिंग पे क्लिक करना है। और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने अगर ITI की है तो भी 12th करना है, और आपने 12th किया है तो भी आपको 12th पे क्लिक करके गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा, गुजरात पॉलिटेक्निक डायरेक्ट ईयर डायरेक्ट सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, आपको ईमेल और SMS के जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती रहेंगी। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आपको ऑफर्स आते रहेंगे कि आप चाहें तो उनके पास एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना है, जिससे आपको तीन चीज़ें मिलती हैं, क्वालिटी, चॉइस और सिलेक्शन। तो जहाँ पे ये तीनों होती हैं, क्वालिटी, चॉइस और सिलेक्शन, वहाँ पे अपने मन से आप अपने दिमाग से अपने धैर्य विचार विमर्श से डिसाइड कर पाते हैं कि आपको कहाँ पे एडमिशन लेना है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात पॉलिटेक्निक का जो मेरिट लिस्ट है, मॉक राउंड रिजल्ट, वो डिक्लेयर हो गया है। गुजरात पॉलिटेक्निक का जो सेकंड ईयर का डिप्लोमा का मॉक राउंड रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया है, और स्टूडेंट्स जो है जो अप्लाई करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज में, उन्हें ये एडमिशन लेना पड़ता। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नेट टाइम में जाएंगे। इससे पहले मैंने गुजरात ACPC डिप्लोमा की वैकेंट लिस्ट के बारे में वीडियोज़ बनाई थी, जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा था इसमें वैकेंट लिस्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, और इस तरह से आपको चेक करना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने नहीं चेक किया तो डेफिनेटली आप इसे चेक कर लीजिए। चलिए, तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, मीनवाइल आपसे रिक्वेस्ट है कि ये फॉर्म भी आपको भरना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप इस पे जाएंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको याद दे सकते हैं गुजरात ACPC डिप्लोमा जो है C2D फाइनल मेरिट लिस्ट मॉक राउंड जो है डिक्लेयर हो गया। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे नया टाइप में जाएंगे, आप मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेक फाइनल पे क्लिक करना है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे नया टाइप में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉक राउंड का रिजल्ट भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें इसे चेक करना है आपको, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो जूम कर दूंगा इसे, C2D मॉक राउंड रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको लिखना है, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली सेम लिखना है जो यहाँ पे कैप्चा लिखा है, कुछ गलत नहीं लिखना है, और गो एंड गेट इट पे क्लिक करना है। जैसे ही गो एंड गेट इट पे क्लिक करेंगे, आपका मॉक रिजल्ट जो है आपके सामने होगा। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ओपन कर सकते हैं, या फिर जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया किसी भी ब्राउजर में google.com ओपन करना है,
वहाँ पे आपको लिखना है ACPC गुजरात डिप्लोमा 2020 और उसके आगे आपको लिखना है IAS पेपर। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ी भी आपकी हेल्प की है, डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।